माई न्यू ब्लॉग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। फ्रेंड्स, तो अभी ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। रीज़न आपको बताऊं, एक बहुत छोटा सा बच्चा आया था, 10 साल के आसपास का होगा, 10-12 साल का। तो उसकी मम्मी पापा की आज एनिवर्सरी थी, तो आया और आकर के बोला, आंटी मेरे को एक अच्छा सा गिफ्ट दिखा दो मम्मी पापा के लिए। तो उसने ये फाइनल किया, ये वाला फ्रेम जिसमें वो फैमिली फोटो वगैरह है, तो इसको मैं अभी गिफ्ट रैप कर रही थी। तो मुझे यार मतलब बहुत अच्छा लगा कि एक छोटा सा बच्चा अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे कुछ दे रहा है। तो मतलब कुछ जब ऐसा कुछ होता है ना, तो आपको अपने बच्चों की यादें आने लगती है कि बच्चे जब हमारे बड़े हो जाएंगे तो वो भी कुछ ऐसा करेंगे। तो मूड अभी फिलहाल बहुत अच्छा है, तो चलिए इसको फटाफट गिफ्ट रैप करते हैं और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो मैंने सोचा फ्रेंड, जब तक मैं रैपिंग कर रही हूँ, जब तक आप बोर हो जाओगे, तो चलो आपको मैं एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि मेरी जो यूट्यूब की 2 साल की जो मेहनत है ना फ्रेंड, यूँ ही पानी फिर गया, उस पर पूरी मेहनत मेरी बर्बाद हो गई। रीज़न ये है कि मैंने आज से ठीक 2 साल पहले मैंने यूट्यूब पर मैंने फ़र्स्ट अपना वीडियो अपलोड किया था। और क्योंकि सब कुछ मैंने यूट्यूब से ही सीखा है, मुझे कुछ भी नहीं आता था, एडिटिंग अपलोडिंग सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से ही सीखी है धीरे धीरे करके, इसलिए मुझे यहाँ तक पहुँचने में 2 साल लग गए। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और मुझे लगता है कि एक ना एक दिन मुझे वो वाली की मंजिल ज़रूर मिल जाएगी जिसकी मुझे तलाश है। लेकिन गड़बड़ मेरे से क्या हुई है, मेरे से और यूट्यूब ने इतनी बड़ी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि जो मेरी 1.5 साल की 2 साल की जो मेहनत थी ना, उस पर पूरे के पूरे पानी फिर गया। हुआ यूँ कि हैं फ्रेंड्स, क्या जैसे कि आप लोगों को पता है, यूट्यूब की क्राइटेरिया होता है कि आपको यूट्यूब को चैनल मोनेटाइज कराने के लिए आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो मेरे 1000 का जो सब्सक्राइबर है ना, वो बहुत जल्दी मेरा कंप्लीट हो गया था। लेकिन जो रहा बाकी का 4000 घंटे वाला सब्सक्राइबर, मतलब वो जो मतलब घंटे की जो वो वाली टास्क थी, उसे कंप्लीट होने में मेरा कुछ ही टाइम रह गया था। मतलब 3400 के समथिंग मेरे जो वॉच टाइम था वो कंप्लीट हो गया था। लेकिन दिक्कत ये हुई फ्रेंड्स कि 1 साल के अंदर आपको 4000 सब्सक्राइबर, 4000 आपको हॉर्स, मतलब 4000 घंटे का आपको वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि 3400 के समथिंग हुआ और 1 साल उसी में कंप्लीट हो गया। अब मुझे वापस शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। अब मेरे पास 1000 के समथिंग मेरे पास घंटे हैं, 1000 घंटे मेरे कंप्लीट हो गए हैं और मुझे इसी साल के अंदर 3000 घंटे मेरे वॉच टाइम और कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरा देखा कीजिए और इस बार प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा प्रे कीजिएगा कि ये जो 2023 का जो साल चल रहा है, इसमें मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाए ये वाला। तो बस फ्रेंड, मतलब मूड तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन गलती मेरी ही थी, मैंने ही बीच में काम करना छोड़ दिया था काम के चक्कर में। बट अब मैंने ठान रखा है कि नहीं, अब मैं रेगुलर वर्क करूँगी यूट्यूब पर, एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगा मुझे। अब तो कर दिया फ्रेंड्स। तो कल ना क्या हुआ कि ये जो पीछे जो एंगल आपको दिख रहे हैं ना दीवार में, तो ये एंगल लगवाया था, इसमें वो कांच के सेल्फ लगेंगे। तो कल वो ड्रायर वगैरह हुआ ना, तो बहुत ज़्यादा पूरी दुकान में मिट्टी मिट्टी हो गई थी। सफाई तो मैं कर गई थी, बट फिर भी यार सामानों के अंदर जो चीज़ें हैं चमकने वाली, उनके अंदर तो गई होगी ना मिट्टी। तो इसलिए मैं अभी धीरे धीरे करके इनकी क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं जो कांच की चूड़ियाँ रखी हुई थी, तो सारी मैंने निकाल के रख दी है। अब इनकी क्लीनिंग करके इसके अंदर वापस डाल दूँगी। मैं आप लोगों को प्रॉपर वीडियो क्लीनिंग के दिखाती, बट रीज़न पता है क्या है कि मैं ना कोई भी ट्राइपॉड यहाँ लेके नहीं आई हूँ जिसमें मैं अपना फ़ोन रख सकूँ। तो इसलिए आपको ये जो वीडियोज है ये टुकड़ों में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। लेकिन आप अपना प्यार है वो टुकड़ों में मत बरसाना, वो अपना पूरा का पूरा बरसाना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। और वीडियो आपको मेरी कैसी लगती है वो भी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मैं इनकी क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। मैंने ये टोकरा कर दिया है बिल्कुल साफ और इसकी क्लीनिंग कर ही रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक और चीज़ की क्लीनिंग कर देते हैं। तो मैंने क्लीनिंग करी इसके नीचे, ये सेल्फ के नीचे, इसके अंदर ये सारा सामान हटा के फिर अच्छे से डब्बों को पोंछ के, और उसके बाद मैंने जचा दिया है, क्योंकि इधर भी एंगल लगे, इधर भी सेल्फ लग गया, तो इधर भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी धूल मिट्टी हो गई थी। और आपको दिखाऊं क्या कंडीशन थी कल, अभी भी ये पूरा प्रॉपर सफाई नहीं हुई। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा गंदा है, जो धीरे धीरे करके साफ हुआ, एकदम से साफ नहीं होगा फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड, आज की ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आज का छोटा सा मिनी ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं सोच रही हूँ मिनी ब्लॉग ही डालूँ छोटे छोटे, क्योंकि एक लॉन्ग वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है उसकी एडिटिंग में। तो मेरे पास फिलहाल उतना वक्त नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करूँगी जितना मेरे से हो सके मैं उतनी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो बाय बाय फ्रेंड्स।